बेवलेज ओरिजिनल सीरीज और बेवलेज मेटल सीरीज, इन दोनों ही जनरेशन में हमें बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन दोनों ही जनरेशन के टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर्स के बारे में। और देखो यार, ये लिस्ट टॉप 5 होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपके फेवरेट ब्लेडर्स इस लिस्ट में ना हो, बट स्टिल यार आई होप कि आपको ये लिस्ट जरूर पसंद आएगा। और देखो यार, मेटल सीरीज का जो विलन है रागो, वो इस लिस्ट में नहीं होने वाला, क्योंकि यार उसकी जो पावर हमें एनिमे के अंदर देखने को मिली है वो असल में लेजेंडरी और बाकी ब्लेडर्स का पावर था, और इसीलिए वो इस लिस्ट में नहीं होगा। तो फिर ये वीडियो आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। नंबर 5, कियोया तातेगामी। अब कियोया की बात करें तो वो काफी स्किल ब्लेडर है, उसके पास काफी कमाल के स्किल्स है। वो बेब्लेड मेटल सीरीज का कैरेक्टर है जिसे तीनों ही सीजन्स में दिखाया गया है, और वो उसमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है। कियोया एक डिफेंस टाइप बेब्लेड यूज करता है जिसका नाम है लियोन, और इसके स्पेशल मूव्स की बात करें तो वो लायन गेल फोर्स वॉल और किंग लायन क्रशिंग फैंग जैसे अटैक्स का यूज कर सकता है। कियोया का राइवल है जिंगा, जिसे हराने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, और लगभग उसने जिंगा को बहुत ही कड़ी टक्कर दिया था। और इसने बेब्लेड मेटल फ्यूजन के अंदर राइगो की पूरी पावर्स को बाहर निकाला था, और मेटल फ्यूरी में भी उसने राइगो को काफी जबरदस्त टक्कर दिया था, जिसकी वजह से कियोया इस लिस्ट की नंबर 5 पोजीशन पे है। नंबर 4, जिंगा हगाने। अब जिंगा की बात करें तो वो बेब्लेड मेटल सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने यार बहुत सारे खतरों का सामना किया है और काफी सारे स्ट्रांगेस्ट ब्लेडर्स से लड़के उन्हें हराया भी है। और अगर हम बात करें जिंगा के बेब्लेड की, तो उसका नाम है पेगासस, और उसके स्पेशल मूव्स की बात करें तो वो कॉस्मिक टोर्नेडो, स्टार ब्लास्ट अटैक और सुपर कॉस्मिक नोवा जैसे अटैक्स का यूज कर सकता है, और इस वजह से जिंगा इस लिस्ट की नंबर 4 पोजीशन पे है। नंबर 3, ब्रुकलिन। ब्रुकलिन बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का एक कैरेक्टर है जो कि जी रेवोल्यूशन के सीजन में देखने को मिला था। ब्रुकलिन का लुक यार काफी कूल है, और उसे अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद है। उसने यार बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा धमाका ये किया था कि उसने काई को हरा दिया था। हालांकि आगे जाकर वो हारता जरूर है, लेकिन उसे एक अच्छा सबक मिलता है। एंड ब्रुकलिन यार एक जीनियस ब्लेडर है जो कि अपने सपने में ही अपने आने वाले दिनों का पता लगा सकता है। एंड इसका बेब्लेड एक गॉड है जिसका नाम है ज़ियस, और इसके स्पेशल मूव्स की बात करें तो वो किंग ऑफ डार्कनेस जैसे अटैक्स का यूज कर सकता है, और इसीलिए ब्रुकलिन इस लिस्ट की नंबर 3 पोजीशन पे है। नंबर 2, टाइसन और काई। ये दोनों ही ओरिजिनल सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं, और ये दोनों ही ब्रुकलिन से ऊपर है, क्योंकि दोनों ही अपनी सीरीज के अंदर ब्रुकलिन को हराया है। हालांकि टाइसन वाला कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है कि टाइसन ने उस बैटल को जीता था। एंड जब भी इन दोनों की बैटल एनिमे के अंदर होती है, तब वो बहुत ही जबरदस्त फाइट रहती है। और टाइसन और काई की फाइट को, जो कि जी रेवोल्यूशन में हुआ था, उसे बेब्लेड की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट बैटल भी कहा जाता है। और टाइसन के बेब्लेड की बात करें तो उसका नाम है ड्रैगून। वो एक विंग टाइप बिग बीस्ट है जिसके स्पेशल मूव्स की बात करें तो वो एवोल्यूशन स्टॉर्म जैसे अटैक्स का यूज कर सकता है। और रही बात काई की, तो उसके बेब्लेड का नाम है ड्रॉन्जर। वो एक फीनिक्स और फायर टाइप बिट बीस्ट है जिसके स्पेशल मूव्स की बात करें तो वो ब्लेजिंग गिग्स टर्बो रिवर्स जैसे अटैक्स का यूज कर सकता है, और इस वजह से ये दोनों ही अनस्टॉपेबल कैरेक्टर्स इस लिस्ट की नंबर 2 पोजीशन पे है। नंबर 1, रायुगा। रायुगा बेब्लेड मेटल सीरीज का एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसने मेटल फ्यूजन में ही लाइटनिंग एल्ड्रेगो तक को कंट्रोल कर लिया था, और सीजन 3 तक आते आते वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था। और आप लोग जानते हो कि रायुगो का बेब्लेड है एल्ड्रेगो, वो भी एक बहुत ही स्ट्रांगेस्ट बेब्लेड है, और उसके स्पेशल मूव्स की बात करें तो वो ड्रैगन एम्पायर सुप्रीम फ्लाइट और ड्रैगन एम्पायर लाइफ डिस्ट्रक्टर जैसे अटैक्स का यूज कर सकता है। उसने जिंगा और कियोया तक के ब्लेडर्स को हराया है, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रागो को भी उसने बहुत ही जबरदस्त टक्कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर रागो के पास बाकी लेजेंडरी ब्लेडर्स का पावर ना होता, तो रायुगा शायद उस मैच को जीत भी सकता था, एंड इसीलिए वो इस लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन पे है। सो हाँ गाइस, यही थे टॉप 5 बेब्लेडर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट, एंड आई होप कि आपको ये लिस्ट जरूर पसंद आया होगा। और अगर आप चाहो तो अपनी लिस्ट कमेंट में जरूर बताना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।